13वीं शताब्दी के महान संत और कवि श्री ज्ञानेश्वर महाराज भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक, योगी, चिंतक और उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। ईश्वरीय भक्ति को उन्होंने जीवन के लिए अनिवार्य बताया। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 में पुणे के नजदीकी आलंदी नाम के गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम विठल पंत और माता जी का नाम रुक्मणी था। नाथ पंत के श्री गहिनी नाथ जी ने उनके बड़े भाई निवृत्ति नाथ को दीक्षित किया था। वही निवृत्ति नाथ ज्ञानदेव के गुरु थे, जो उनके बड़े भाई भी थे। संत ज्ञानेश्वर के साथ ही उनके ही 3 भाई बहनों ने भी कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से भक्ति के एक बड़े मार्ग का निर्माण किया। उनका कहना था, ज्ञान की परंपरा मानव जाति की सच्ची विरासत और आधार है। सन 1219 में संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से एक अलौकिक पुस्तक की रचना की। अपने गुरु निवृत्तिनाथ के कहने पर उन्होंने अमृतानुभ की रचना की, जिसके उनकी चंगादेव पाष्टी और हरिपाठ में संकलित रचनाएं भी समाज के सामने आई। संत ज्ञानेश्वर जी को प्यार से महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय सहित उनके सभी भक्तों द्वारा माउली माता कहा जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने धर्म को आवश्यक बातों से हटाकर धर्म को एक अलग कर्तव्य बताया। उन्होंने भागवत या वारकरी संप्रदाय की नींव रखने का अभूतपूर्व काम किया। उनके शिष्यों में संत नामदेव, संत गुरोबा कुम्हार, संत सावता माली, संत नरिहर सुनार, संत चोखा मेला जैसे प्रसिद्ध संत और साधक शामिल थे। संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव जी को तीर्थ यात्रा, भागवत धर्म और वारकरी संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश भर में भ्रमण पर भेजा। उनका कहना था, जैसे खैर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी या किसी अन्य पेड़ की लकड़ी को जब आग में डाला जाता है तो सब जलकर एक हो जाती है, इसी तरह समाज की सभी जातियाँ एक ही हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा के साथ सभी भक्त एक हो जाते हैं, इसलिए जाति, वंश और वंश सभी का भेदभाव व्यर्थ है। समरस शब्द संत ज्ञानेश्वर का सबसे प्रिय शब्द है। उनका कहना था, अनुभव से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही समरस कहा जाता है। उन्होंने संस्कार को समरसता का मूल बताया। उनका कहना था, संस्कार का भाव मनुष्य के देवत्व को जगाता है, ताकि मनुष्य को हर व्यक्ति में ईश्वर को ज्ञान सके। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी इन्हीं धार्मिक जागरण के कार्यों से समाज में सामन्व बढ़ाने का काम किया। 1296 में महज 21 साल की छोटी सी आयु में संत ज्ञानेश्वर जी ने आलंदी के पास इंद्रायणी नदी के तट पर समाधि ले ली थी। उनके निधन के एक वर्ष के भीतर ही उनकी भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले उनके भाई बहन निवृत्ति, सोपान, मुक्ताबाई भी इस संसार से विदा हो गए। संत ज्ञानेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश आज भी समाज में सत्य, भक्ति, समरसता और भाईचारे का संदेश दे रहा है।